आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में स्कूल शिक्षा नियमावली की धारा 134A के तहत निःशुल्क दाखिला देने के नाम पर प्राइवेट स्कूल स्तर 2018-19 में फिर से लाभार्थी छात्रों को धोखा देने में कामयाब होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि 11 अप्रैल को नियमावली 134A के तहत दाखिला फार्म भरने की अंतिम तिथि है, जबकि इन दाखिलों का विरोध कर रही प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन का मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद खाली वैकेंसियों की लिस्ट आज उपलब्ध करवाई गई है। ऐसे में प्राइवेट स्कूलों में 10% सीटों पर मात्र 2 दिन में दाखिला कैसे होगा, यह समझ से परे की बात है। प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल खट्टर द्वारा नियमावली 134A के तहत होने वाले एग्जाम की मेरिट लिस्ट में न्यूनतम 55% अंक पाने में ढील देकर 33% किए जाने की घोषणा के बाद प्राइवेट स्कूलों में दाखिला लेने के इच्छुक छात्रों की संख्या बढ़ी है, जबकि अधिकतर छात्र अपने अभिभावकों के माध्यम से अब तक प्राइवेट स्कूलों द्वारा खाली दर्शाई गई सीटों के विरुद्ध फॉर्म भर चुके हैं। ऐसे में अंतिम तिथि के 2 दिन पहले दिखाई गई खाली सीटें खाली ही रहने की उम्मीद है, जिसके चलते प्राइवेट स्कूल अपने खेल में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में प्राइवेट स्कूलों में नियमावली 134A के तहत दाखिला लेने के इच्छुक छात्रों के अभिभावकों ने मांग की है कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 11 अप्रैल से बढ़ाई जाए। मेरा ये कहना है प्रशासन से कि इन्होंने प्राइवेट स्कूल वालों ने एक भी वैकेंसी नहीं दिखा रखी, मतलब लगभग 80% स्कूलों ने वैकेंसी दिखाई नहीं रखी, और आखिरी डेट है कल 10 तारीख, अभी तक वैकेंसी नहीं आई। तो फिर जो फार्म भरे गए हैं सारा मतलब गलत सिस्टम से भरे गए, जितनी टोटल वैकेंसी दिखानी चाहिए थी उसमें सिर्फ 10% वैकेंसी दिखा रखी है लगभग। तो लोगों ने वैकेंसी देख देख के सभी ने वही स्कूल भर दिए, और जो वैकेंसी आएंगी वो पता नहीं कब तक आएंगी, और आखिरी डेट कल है, या तो भाई इसकी तारीख बढ़ाई जाए ताकि वैकेंसी आ जाए, लोगों को पता चले, उसके अनुसार फार्म भरे जाएँ, नहीं तो इसी प्रकार से जो फार्म भरे गए सारे मेरे हिसाब से बेकार गए, कोई भी इसका मतलब फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। लेकिन यहाँ सीट तो खाली नहीं बता रहे, किसी में 2 बता रहे हैं, किसी में 4 बता रहे हैं, और किसी में है ही नहीं। फॉर्म भरने की अंतिम तारीख से 2 दिन पहले हुए समझौते के बाद खाली सीटों पर भला कौन फॉर्म भरेगा, यह देखने वाली बात होगी। न्यू न्यूज़ फॉर यू के लिए सिरसा से डॉक्टर अभिषेक के साथ भिवानी से इंद्रवेश दुहन की रिपोर्ट।